हेलो एवरीवन, हमेशा की तरह एक फूल से ब्यूटीफुल सा अडेनियम प्लांट जिसके बहुत खूबसूरत फूल होते हैं उसी से शुरुआत करते हैं। तो कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं आपकी गार्डनर दोस्त मलविंदर कौर, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, अडेनियम को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये परमानेंट प्लांट है और इसके सीड पॉट बनते रहते हैं। आप कितने ही इससे जो है प्लांट बना सकते हैं। तो चलिए, आज का जो मेरा वीडियो है वो विंटर्स की कुछ मैंने प्लांट्स शॉपिंग की थी तो उसी के बारे में है। तो हमें कौन से प्लांट लेने चाहिए, फ्लावर आए हुए प्लांट लेने चाहिए या फिर सीडलिंग लेनी चाहिए? तो ये देखिए, मैंने कटिंग से तैयार किया था तो इसके ऊपर जो है बहुत अच्छे से फूल भी आ रहे हैं, बट इसकी थोड़ी सी कटिंग से लगाने का ये हो जाता है कि लेंथ ज़्यादा बढ़ जाती है। ये मेरी कुछ पहले सीडलिंग जो मैं लेके आई थी उसका अपडेट, बिगोनिया के ऊपर जो है बहुत खूबसूरत फ्लावर आ रखे हैं और ये है सालविया के ऊपर भी आप जो है फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए, आज का जो मेरा वीडियो है यही रहेगा टॉपिक, जो मैं सीडलिंग लेके आई हूँ आपके साथ शेयर करूँगी। प्लांट जो मैंने परचेज़ किए थे आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए कितने सारे मेरे सीडलिंग हैं। तो साथ साथ सीडलिंग के साथ ये भी शेयर करेंगे कि हमें कौन से प्लांट जो हैं बेनिफिट ज़्यादा देते हैं तो कौन से प्लांट ज़्यादा फ्लावर देते हैं। तो ये मेरा कैलेंडुला है जिसके मैंने 6-7 प्लांट्स परचेज किए हैं। 7 रुपीज़ पर प्लांट मुझे जो है पड़ा है, आप भी ले सकते हैं। इस टाइम जो है हर जगह पे सीडलिंग आ रखे हैं। ये देखिए, पहले जो मेरे प्लांट्स थे उनके ऊपर फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गया है। सीडलिंग ज़्यादा टाइम नहीं लेती है और थोड़ा आप अपना अच्छे सॉइल वगैरह प्रिपेयर करके लगा देंगे तो जल्दी से फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। छोटे से प्लांट के ऊपर ही जो है फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सीडलिंग मैंने खुद जो ग्रो की थी क्रिसैंथेमम की, वही है। तो चलिए, मैंने जो जो प्लांट्स हैं आपके साथ मैं शेयर करती जाऊंगी। कैलेंडुला है, कैलेंडुला के अलावा मैं जो लेके आई हूँ गेंदे के प्लांट, मैं लेके आई थी पहले सीडलिंग तो मेरी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। जो छोटे होते हैं रेड वाले फ्लावर उसकी तो बहुत अच्छे से हेल्दी प्लांट चल गए हैं और फ्लावर भी आ गए हैं, बट जो ऑरेंज वाले गेंदा प्लांट मैरीगोल्ड होते हैं उसकी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। तो ये पेंजी के कुछ प्लांट्स हैं, पेंजी का भी आप ले सकते हैं। जेरेनियम है, बहुत सारी सीडलिंग जो अवेलेबल है, आप किसी भी नर्सरी में जाएं 6-7-8 के रीज़नेबल जो है आपको प्लांट्स में रेट्स मिल जाएंगे। तो ये सारे जो हैं, एस्टर है मेरे पास, एस्टर के अलावा बिगोनिया के मैंने कुछ प्लांट्स परचेज़ किए हैं। ये देखिए हेल्दी होते हैं प्लांट ये, बस आप जल्दी से इसे ला करके 2-3 दिन में ग्रो कर देंगे तो अच्छे से ये चल पड़ेंगे। और मिट्टी जो आपने वेल ड्रेन प्रिपेयर करनी है ताकि आपके प्लांट की जो ग्रोथ अच्छे से हो जाए, पानी ना रुके। तो ये स्टॉक फ्लावर के हैं, मैंने फर्स्ट टाइम ही ऐड करे हैं। मुझे नहीं पता इसके ऊपर कौन सा फ्लावर आता है, मेरे ध्यान में नहीं है। तो ये अभी होएगा तो मैं आपके साथ इसकी अपडेट शेयर करती जाऊंगी। बिगोनिया मेरे पास वाइट और रेड था, पिंक था और रेड कलर मैं लेके आई हूँ और ये मुझे 15 रुपीज़ का दिया है और 2 प्लांट मैंने ये लिए हैं। ये पहले मेरे पास वाइट और पिंक था, अब थोड़ा सा शेड अलग है और लीव्स में भी थोड़ा फ़र्क है, ग्रीन कलर है और ये डार्क था। तो आप भी ये प्लांट ले सकते हैं, ये परमानेंट रहता है। अगर आप इसे बचा सकते हैं तो बहुत टाइम तक आपके गार्डन में बना रहेगा, बट मेरे ये प्लांट थोड़े से नहीं बचते, गर्मियों में ख़राब हो जाते हैं। ये मैंने 2 प्लांट लिए हैं और एक प्लांट तो काफ़ी अच्छा हेल्दी है तो उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है, तो मैं इन्हें ग्रो कर दूंगी। और ये कोकोपीट में लगे होते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, लूज करके थोड़ा सा इसे अपने गमले में लगा देना है, कोई ज़्यादा इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी तरह से मैं आपके साथ ये सीडलिंग शेयर कर रही हूँ। तो आप सीडलिंग ज़्यादा बेटर रहता है लेके आना दूसरे प्लांट्स के अकॉर्डिंग जो है। ये है मेरा बिगोनिया के अलावा जेरेनियम और आनिया, गजानिया भी मैंने अभी दिखाए हैं, थोड़ा सा माइंड से स्किप हो गया था नाम। तो ये सारे गेंदे के प्लांट हैं, गजानिया है, जेरेनियम है, ये सारे प्लांट जो मैं लेके आई हूँ। तो
ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, जब इन्हें लगाऊँगी इनकी अपडेट भी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो ये मेरे कुछ सीडलिंग थे, आप भी जब लेके आए, मैं तो हमेशा सीडलिंग ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि जो सीडलिंग है बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है और अच्छी फ्लावरिंग भी काफ़ी टाइम तक देती है। देखिए जेरेनियम की भी जो है सीडलिंग मिल रही है, आप जेरेनियम के प्लांट भी ले सकते हैं, ये परमानेंट है। अगर आप बचा सकते हैं तो इन्हें भी आप बचा के रखिएगा, तो ये हमेशा फूल देते रहते हैं और बंचेस में फूल आते हैं। तो वाइट है, पिंक है, रेड है, बहुत सारे कलर हैं, ये बस थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं लगा सकते कौन सा कलर आ जाता है तो कौन सा नहीं, बस थोड़ा सा ये इसमें दिक्कत हो जाती है। ये मेरा कुछ सीडलिंग का आपके साथ शॉपिंग प्लांट्स की है, वो मैंने शेयर की है, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोई क्वेरी है तो वहाँ गार्डनिंग से रिलेटेड जो है पूछ सकते हैं। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो बेल को ज़रूर दबाइएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। और इसी तरह से गार्डनिंग से रिलेटेड जो है वीडियोस मैं आपके साथ लाती रहूँगी, शेयर करती रहूँगी, तो आप भी बने रहिएगा चैनल के साथ हमेशा। ये देखिए मैं कुछ अपडेट भी दे देती हूँ, जो मैंने पहले सीडलिंग लेके आई थी वो लगा दी थी, तो उसमें कुछ फ्लावरिंग जो है होनी स्टार्ट हो गई है। तो ये देखिए ये मेरे दो प्लांट बच गए थे मैरी गोल्ड के और चार पांच जो हैं ख़राब हो गए थे, तो ये इनका है अपडेट। तो लाइए आप भी, बहुत अच्छा विंटर का फ्लावरिंग सीज़न है। तो हैव अ नाइस डे, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।